ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हो औरों को, या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, करेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझना, कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। बाहर से दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की सबकी आदतें क्या है? शो ऑफ। इसको समझना पड़ेगा, रियलिटी को समझना पड़ेगा। हमारी सबकी आदत है शो ऑफ, अंदर से खोखले हैं, बाहर से पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जैसे उससे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोल रहे हो? जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा, उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, वो जुनून नजर आएगा, वो फितूर नजर आएगा, वो पैशन नजर आएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। आप समझ गए ना, एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हो, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप चुपचाप भी बैठे होंगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा होगा, उस दुनिया को एक स्पार्क नजर आएगा। वो कैसे होगा? बड़ा सिंपल है। अभी बोलने में थोड़ा अजीब भी लगेगा, हो सकता है, बट मेरे साथ साथ में आप बोलोगे और इससे क्या होगा उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार बोलते हैं एक बार साथ में, और अंदर तक फील करके बोलना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना, मुंह से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, एक है अंदर से कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ। तो अपने आप को बार बार शीशे में देखना है, सुबह उठ करके या दिन में या रात में, अकेले में, मन में। दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से चीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने आप को शीशे में देखो, बोलो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। ये अपने अंदर लेकर के आ जाओ। इससे होगा क्या? अगर आप ये कर पाए तो अपने आप को शीशे में देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। एवर का मतलब समझते हो? मतलब एक तो हमने बोल दिया इस प्लैनेट के ऊपर, मतलब जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? मैं हूं। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से। ये हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए ऐसे बन नहीं पाते। देखो, अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना है तो बड़ा ही सोचते हैं ना, और थोड़ा बड़ा क्यों सोचना है? सोचना है तो पूरा ही बड़ा सोचो ना। ऐसे सोचो, जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अपने आप से बार बार बोलो why not, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, why not, चाहूं तो कर सकता हूं, चाहूं तो कर सकती हूं। मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं, जो हो सकता है अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है। जैसा जो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन रहा होता है। तो मैं ये जानता हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उस बंदे के एक्शंस कैसे हो? लगाओ दिमाग। उसके एक्शंस कभी भी छोटे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ये जानते हो आई एम द ग्रेटेस्ट हो कि छोटी बात करो? नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक बन नहीं जाते हो तब तक अपने आप से झूठ बोलते हो। जब तक ये समझ नहीं आ जाती आपको मेरी बात, जब तक अंदर तक इस बात को जान नहीं जाते हो, ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को भी ठीक रखना अपने माइंड में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो कौन है ग्रेटेस्ट? वो डॉक्टर जिसका नाम बहुत ज्यादा है, या वो डॉक्टर जिसका काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? पकड़ लो इस बात को। चाहे नाम बड़ा नहीं है, मतलब कि आप एक टीचर भी हो सकते हो, लेकिन अपना जो टीचिंग का काम है वो इतने अच्छे से आप कर रहे हो कि अंदर तक आपको पता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट टीचर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। क्यों? क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं अपने काम को एंजॉय करके करती हूँ, अपने काम को पूरे पैशन के साथ करती हूँ। जो मेरे पास में आता है मैं अपनी तरफ से अपना 100% लगाती हूँ उसका। यू आर द ग्रेटेस्ट, इसमें शक क्या है? यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब क्या? वो जो अपने काम को अपनी तरफ से अपना सब कुछ डाल दे उसका, वो ग्रेटेस्ट है। और ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है? तो क्या होगा अगर ये बात आपके अंदर उतर गई, अपने शीशे में अपने आपको देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट एवर, मतलब पिछले हजारों लाखों सालों में जितने भी लोग आए हैं, करोड़ों अरबों लोग आए हैं, सब में से आई एम द ग्रेटेस्ट,
अभी जितने भी लोग हैं उसमें से आई एम द ग्रेटेस्ट। समझ गए ना? मुझे नहीं लगता दुनिया को कोई कहेगा हाँ मुझे लगता है, कोई कहेगा मुझे नहीं लगता है। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मेरा जो आउटलुक है यानी कि मेरी जो खुद की नजर है खुद को देखने की वो ये है और वही मैटर करती है। दुनिया की नजर में आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, उसके बाद में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो बैठ कर या फिर अपनी लाइफ से दुखी हो, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे हैं, दुनिया की नजर से देख रहे हैं। दुनिया कभी उनको चढ़ा देती है, कभी गिरा देती है। दुनिया का तो काम ही यही है। और काम क्या है दुनिया का? और कोई काम है क्या? काम ही यही है, उनको मजा इसी में आता है। एक बंदे को चढ़ा दिया पहले तो चने के झाड़ पे, उसके बाद बिल्कुल ही गिरा दिया, फिर ऐसे करके रगड़ दिया और बंदा रो रहा है बैठ करके। क्यों? क्योंकि दुनिया के चढ़ाने से वो चढ़ गया। आप ऐसा करो ही मत, ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को ठीक रखो। आई एम द ग्रेटेस्ट क्यों? इसलिए नहीं कि दुनिया मुझे बोलेगी नहीं यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, यू आर द वर्स्ट। मान लो यू आर द वर्स्ट, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? दुनिया से मेरे को कोई मतलब ही नहीं। मेरे को खुद ये देखना है कि मैं खुद अपनी नजर में क्या, और जेन्युइनली बता रहा हूं अगर खुद आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन गए तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे उनको कुछ अलग ही नजर आएगा। यू बिकम लाइक अ मैग्नेट। ऐसे लोग मैग्नेट्स होते हैं जो उनमें एक कमाल की एनर्जी उनके अंदर से निकल रही होती है। सबको एनर्जी अच्छी लगती है। किसी को डल लोग, थके हुए लोग अच्छे लगते हैं? बैठे अपनी लाइफ के दुखड़े रो रहे हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड है, आपको भी फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? या वो लोग जो चार्ज्ड अप है पूरी तरह से? तो चार्ज्ड अप कैसे होते हैं? अंदर से इंस्पायर्ड कैसे होते हैं? हमारे अंदर से एनर्जी कैसे निकलती है, रेडिएट कैसे करती है एनर्जी? कैसे हम ऐसे बन जाते हैं कि लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं? कि अगर आप बिजनेस करोगे तो जो लोग आपके साथ जुड़े वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आप कहोगे छोड़ दो भैया छोड़ दो, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे हो जाओगे। ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपको सोच करके अपने साथ में लोगों को जोड़ना होगा, क्योंकि आपको अंदर तक ये पता होगा कि जो मेरे साथ एक बार जुड़ा वो कहीं नहीं जाने वाला। इस बात की डेप्थ को पकड़ पा रहे हो जो बात मैं बोल रहा हूं? अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा। मतलब आप ऐसे बन सकते हो। और इस सबकी शुरुआत कहां से होगी? ऐसे बनने की शुरुआत कहां से होगी? आप बनना चाहते हो ऐसे या नहीं बनना चाहते? पहला तो सवाल ये है, कैसे बनोगे? आप खुद को जिस नजर से देखते होगे वैसी ही एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी। बड़ा सिंपल है। धोनी मूवी देखी आप लोगों ने? उसका एटीट्यूड देखा है? समझ रहे हो क्या होता है लाइफ में? जो अपने माइंड में ग्रेटेस्ट है, समझ गए ना? कि मैं जा रहा हूं बैटिंग करने के लिए, तू बस रन आउट बस करवा दियो। देख रहे हो, इसको पता है कि मैं क्या हूं। दुनिया को नहीं पता है, पर उसको पता था अंदर से कि मैं क्या। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे? आपकी टीम कैसे एक्साइटेड होगी? सोचने वाला पॉइंट है। समझ आ रही है बात? कि आप एक काम करने वाले हो लाइफ में आगे, या बिजनेस नहीं मान लो जॉब भी करने वाले हो, लेकिन आप वहां पर टीम लीडर हो, आपकी टीम है 10 लोगों की, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेकर के, और आप बोल रहे हो कि मेरी जो टीम है वो मोटिवेटेड नहीं रहती है, मेरे साथ में जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, वो काम अपना ढंग से नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी ना। ग्रेटेस्ट पर्सन कौन है? वो जो पर्सन है। ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? ह्यूमन है। समझ गए ना? जिसके अंदर इंसानियत है, जो मशीन नहीं है, जो पैसा मैन्युफैक्चर मशीन नहीं है। पैसा मैन्युफैक्चर मशीन से कैसे करते हैं? 8 घंटे के लिए मशीन चला दो, उसको करके ये काम होगा, वहां से पैसा आएगा। मशीन ही तो है वो। तो मैं कोई मशीन नहीं हूं। पैसा मैन्युफैक्चर कर ले, नौकरी करो, वहां से पैसा आएगा। बस जी तरह सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस नहीं समझता, दुनिया के भी समझता। मैं अपने काम को अच्छे से करता, किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता, अपने काम का मैं मास्टर हूं। अपने काम को मैं उस लेवल तक लेकर के जाने वाला हूं जिस लेवल तक आज से पहले कोई लेकर के गया नहीं है, और बल्कि उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई ले जाना चाहता है उस काम को उस लेवल पे, उसको भी बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। कुछ
इतना कमाल का कर देना। क्यों? ये चीज अंदर तक बैठ गई, आपकी आंखों में चीज नजर आने लगती, आपके एक्शंस में ये चीज धीरे धीरे उतरने लग गई, जैसे आपको खुद को सच लगेगा तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। तो जब आप लाइफ में कुछ कर जाओगे ना बड़ा, तो सब लोग एक एक करके आएंगे, कहेंगे मुझे पहले ही पता था, इस लड़के में कुछ कमाल का है, पर एक्चुअल में पता होता है, दिख रहा होता है। ये अगर बातें आपको समझ आए तो बड़ा मजा आएगा लाइफ को जीने में। तो आपके पास में दो चॉइसेस है, एक तो ये है कि आप अपने से जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं उनके साथ जाकर के लाइफ में जुड़ते रहो, या खुद पावरफुल हो जाओ। कोई दूसरे ऑप्शन को पकड़ करके रखना है, अगर इसको समझ पाओ तो बड़ा मजा आएगा लाइफ में, वैसे भी बहुत आगे तक जाओगे। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है, आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके।